सांसद जी रुझान आना शुरू हो गए हैं, पांचों विधानसभाओं के रुझान आ रहे हैं, बढ़त पे हैं आपके प्रत्याशी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम बारंबार अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं अपनी मैनपुरी के महान जिन लोगों को, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण इस संघर्षपूर्ण माहौल में हमारी पार्टी को ताकत दी, हमारे उम्मीदवार को जहां ऐतिहासिक विजय का रास्ता प्रशस्त किया है, वहीं हमारे सदे नेताजी को मैनपुरी के लोगों ने सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। उपचुनाव में जैसे रुझान आ रहे हैं, रामपुर खतौली में भी जो है आपके पक्ष में रुझान चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहते हैं, जनता ने क्या सोच कर जो है वोट किया है, भारतीय जनता पार्टी के दावे खोखले कैसे साबित हो रहे हैं? देखिए, बीजेपी के लोग कुछ करते नहीं, केवल भाषण बयान नफरतें फैलाने की राजनीति करते हैं, अब लोग इससे उब चुके हैं। ये उपचुनाव इसी बात का संकेत है और आने वाले समय में जो यहाँ से संकेत निकल के जा रहा है पूरे प्रदेश में यही परिणाम आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अभी मैनपुरी में क्या लग रहा है कि ये जो बढ़त बनी हुई है ये कहाँ तक पहुँचेगी, कितनी? मुझे अब अनुमान है, जब अभी लगभग एक तिहाई वोट गिना गया है, अब मैं कह सकता हूँ कि बड़ी बात नहीं है कि आदरणीय डिंपल जी की जीत 3 लाख से ऊपर चली जाए, 2.5 लाख से ऊपर तो जानी ही जानी है, लेकिन 3 लाख भी छू जाएगी तो आश्चर्य नहीं होगा। जिस तरह से लगातार 2/3 वोटों से भी ज्यादा वोट माननीय डिंपल जी के पक्ष में मैनपुरी के लोगों ने दिए हैं। आप सभी लोग समाजवादी पार्टी के और तमाम नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह सभी लोगों ने आरोप लगाए थे कि पुलिस प्रशासन ने वोटिंग नहीं करने दी है और वोट खूब जम के निकल रहा है, क्या कहते हैं इस पर? देखिए, परसेंटेज तो कम हुई, ऐसा नहीं कि हमारी बड़ी जीत होने से वो आरोप खारिज हो गए हैं या वो आरोप के दोषी नहीं है सत्ता पक्ष के लोग। हजारों हमारे कार्यकर्ता ऐसे दसियों हजार होंगे जो एक हफ्ते तक लगातार अपने घरों में नहीं सो पाए, हजारों लोग ऐसे हैं जो कोई भी छोटा बड़ा व्यापार कर रहे थे उनको नोटिसें दी गई, कोई प्रधान नहीं बचा है जिनको CDO साहब प्रमोशन पा जाओगे क्या अब, बहुत CDO साहब ने धमकाया है, DPRO ने धमकाया है, DSO ने कोटे धारकों को धमकाया है, खुद DM साहब कोई कसर नहीं रखे थे। और मैंने कहा था ये मैनपुरी की सरजमी है, इसको या तो बीजेपी और प्रशासन के लोग समझ नहीं पाए और समझ रहे हैं तो गलती कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था नेताजी के आशीर्वाद से मुझे मैनपुरी के लोगों बीच बहुत रहने का मौका मिला, मैंने कहा था यहाँ के लोग बहुत स्वाभिमानी हैं, जज्बाती हैं नेताजी के लिए, अगर इनको सताओगे तो ये और ज्यादा गुस्से में और ज्यादा वोट डालेंगे और वही आप परिणाम देख रहे हैं। शायद इतनी बड़ी परसेंटेज में वोट कभी पार्टी को पक्ष में नहीं पड़ पाया था जैसा इस बार पड़ा है। ये इस बार जो वोट पड़ा है वो समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट था उससे हटके पड़ा है? नहीं, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ नेताजी ने मैनपुरी के लोगों को अपना परिवार समझा था, कभी जाति धर्म मजहब में बांटा नहीं था, और जो नेताजी ने लोगों की सेवाएं की हैं, लोगों ने श्रद्धांजलि स्वरूप आज नेताजी को ये वोट दिया है, माननीय डिंपल जी को वोट दिया है और उनको ऐतिहासिक वोटों से जिता रहे हैं, और मुझे उम्मीद है शायद बड़ी बात नहीं है कि अब तक की मैनपुरी की सबसे बड़ी जीत अगर डिंपल जी की होगी तो इस बात पे आश्चर्य नहीं करिएगा, क्योंकि मैंने जो अनुमान लगाए थे वोट उससे भी ज्यादा पड़े। और एक दो बातें जो मैंने कही थी चुनाव के दौरान कि ये चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही है, ये चुनाव प्रशासन लड़ रहा है, अगर बीजेपी लड़ रही होती बीजेपी को तो जनता ने स्वीकार ही नहीं कर पाया न किया है आज तक। बीजेपी के उम्मीदवार अपना बूथ हारे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष अपना बूथ हारे, और अभी देखना, अभी खुला नहीं है, थोड़ी देर में सूचना मिलेगी, बीजेपी से राज्यसभा के सांसद हरनाथ सिंह अपने बूथ पर जमानत नहीं बचा पाए, ये मैं बूथ वाइज बात कर रहा हूँ, अभी वो बूथ अभी नहीं खुला है, मैनपुरी विधानसभा का वो बूथ थोड़ी देर बाद खुलेगा तो जमानत भी नहीं बचेगी उनकी अपने बूथ पर। ये है बीजेपी की नेताओं की, इसलिए बीजेपी तो लड़ाई में थी ही नहीं, ये तो DM साहब ने टेंडर लिया था और यहाँ के प्रशासन के लोगों ने कि हम जिताएंगे, तो जनता ने जवाब दे दिया है कि लोकतंत्र में जनतंत्र में जनता सर्वोपरि है।